नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं यूट्यूब पर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट फिर से आ रही है। अभी तक देखिए, फोर्थ फेज के एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं और यहां पर रेलवे ने फिफ्थ फेज का भी नोटिस जारी कर दिया है। ये जो नोटिस जारी हुआ है, ये ध्यान रखना, आरआरबी रांची ने सबसे पहले नोटिस जारी किया हुआ है। धीरे धीरे और भी बहुत सारे कह सकते हो कि बहुत सारे जोन ये नोटिस जारी कर देंगे। चलिए देखते हैं नोटिस क्या है। नोटिस देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नोटिस आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए, हर तरह के एग्जाम में ये सीईएन नंबर जरूर मैच ऐड कीजिए। सीईएन नंबर हर एग्जाम का फिक्स रहता है आपका, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का सीएन नंबर 01/2019 है। अब लिखा हुआ है, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस फॉर फिफ्थ फेज एग्जाम शेड्यूल। मतलब ये जो नोटिस है, ये आपके फिफ्थ फेज की है। चलिए नोटिस को पढ़ते हैं, देखते हैं नोटिस क्या है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, नोटिस देखते हैं कहां से कब तक का एग्जाम है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है नोटिस का, वो लिखा हुआ है फिफ्थ फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 का जो फर्स्ट स्टेज होगा विल बी हेल्ड फ्रॉम 4 मार्च, देखिए 4 मार्च 2021 से लेकर 27 मार्च 2021 तक आपका फिफ्थ फेज का एग्जाम चलने वाला है। और इस एग्जाम में अप्रोक्स कितना लड़का बैठेगा, 19 लाख बच्चा बैठेगा। मैं आपको बता दूं, 19 लाख बच्चा ये लगभग 27 मार्च तक पेपर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी 15 से 20 लाख बच्चा बचता है। इसका मतलब है कि ये एग्जाम आपका मार्च के बाद अप्रैल में भी जाने वाला है। अप्रॉक्स 15 से 20 लाख बच्चा अभी भी बचता है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये एग्जाम अभी अप्रैल में भी जाएगा, सिक्स फेज भी होगा, इस बात को ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, सिटी इंटीमेशन वगैरह आपसे टफ से जारी हो जाएंगे। फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल इन दिस फेज द लेंथ फॉर विविन एग्जाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग फॉर फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द आरआरबी वेबसाइट 23/2/2021। मतलब आज जो डेट है आपका 23 फरवरी से ध्यान रखना, सिटी इंटीमेशन है, डाउनलोडिंग डेट है, एग्जाम डेट है, ये सारी की सारी बातें आपको आज ही से जारी होना शुरू हो जाएगी, आज शाम ठीक 5 बजे से। बाकी बातें हर फेज में एकदम कॉमन है। जैसे कि आपका जो एग्जाम के लिए ई कॉल लेटर है विल स्टार्ट 4 डेज प्रियर, मतलब आपकी एग्जाम डेट के 4 दिन पहले से ही, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम डेट के 4 दिन पहले से ही आपके ई कॉल लेटर जारी कर दी जाएगी। बाकी सारी बातें आपको मोबाइल और SMS के थ्रू बता दी जाएगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस थी, फिफ्थ फेज एग्जाम है, लेकिन ध्यान रखना ये एग्जाम जो है सिक्स फेज में भी जाएगा, अप्रैल के महीने में भी जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, धन्यवाद।